बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खोला अपना मुरैठा, मुंडन करवाकर सरयू में लगाई डुबकी। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अयोध्या की पावन नगरी में अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हुए एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान मुरैठा खोलकर मुंडन संस्कार करवाया और इसके बाद सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई। जी हाँ, सम्राट चौधरी का यह कदम उनके धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं का प्रतीक है। मुंडन संस्कार हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है, जो शुद्धि और नवजीवन का प्रतीक है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने भगवान राम की नगरी अयोध्या के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हुए कहा कि इस धार्मिक अनुष्ठान से उन्हें आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। उनके इस धार्मिक अनुष्ठान में कई धार्मिक विद्वान और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस विशेष अवसर का साक्षी बनते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। सरयू नदी में डुबकी लगाने के बाद सम्राट चौधरी ने वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। इस धार्मिक यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी ने भगवान राम के जन्म स्थान रामलला के दर्शन किए और अयोध्या के विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा किया। उनके इस धार्मिक अनुष्ठान की चर्चा पूरे बिहार और अयोध्या में जोर शोर से हो रही है। बिहार के विकास के लिए काम चलिए, बिहार में ऐसी सरकार बने। मंदिर को जा रहे हैं जी, अपना पगड़ी भी उन्होंने अपने हाथों में लिया हुआ है समर्पित करने के लिए। और राम को समर्पण करना था और आज अयोध्या नगरी में आकर सरयू नदी में स्नान करके ये मुरैठा जो पिछले 22-23 महीने से हम लोगों ने बांध कर रखा था, ये भगवान राम के चरणों में समर्पित करूँगा।